हेलो राइडर्स, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट बाइक अंडर 1 लाख में। और आज मैं जो बाइक के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ये सारी बाइकें इंडिया में पॉपुलर भी हैं और इंडियन मार्केट में बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी के अंडर में आ जाती है। अगर आप कोई बाइक ढूंढ रहे हो जो 1 लाख के अंडर में बेस्ट फीचर, माइलेज और पावर हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। मेरा नाम है अनमोल और आप देख रहे हैं 4 व्हील्स। नंबर 1 पे है हीरो की पैशन प्रो एक्सटेक। भाई ये बाइक बवाल होने वाली है। बात करें इस बाइक की, तो इस बाइक में आपको 2 वेरियंट देखने को मिलता है। पहला है ड्रम ब्रेक के साथ, जिसका प्राइस है 92,000 रुपए, और दूसरा है डिस्क ब्रेक के साथ, जिसका प्राइस है 97,000 रुपए। और मैं इसके ऑन रोड प्राइस की बात कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की स्पेसिफिकेशन के बारे में। इस बाइक में आपको 113 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जो 9.2 bhp और 9.89 nm टॉर्क की पावर प्रोड्यूस करता है। इसमें आपको 4 गियर बॉक्स मैनुअल देखने को मिल जाता है, और ये बाइक आपको 55 km/h का माइलेज दे देती है। इस बाइक में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। बात करें इस बाइक के फीचर की, तो इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डिजिटल ओडोमीटर और LED DRL देखने को मिल जाता है। नंबर 2 पे है हीरो की ग्लैमर एक्सटेक। इस बाइक में आपको टोटल 2 वेरिएंट देखने को मिल जाता है। पहला है ड्रम विथ अलॉय, जिसका प्राइस है 1 लाख रुपए, और दूसरा है डिस्क विथ अलॉय, जिसका प्राइस है 1,05,000 रुपए। और मैं ये सारी ऑन रोड प्राइस में बता रहा हूँ। बात करें इस बाइक की स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपको 124 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, जो 10.72 bhp और 10.6 nm टॉर्क है। इसमें आपको 5 गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। ये बाइक आपको 50 km/h का माइलेज दे देती है। इस बाइक में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। बात करें इसके फीचर की, तो इसमें आपको डिजिटल ओडोमीटर देखने को मिल जाता है और LED DRL विथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है। इसमें आपको USB पोर्ट देखने को मिल जाता है और एग्रेसिव लुक भी देखने को मिलता है। 3 नंबर पे है पल्सर 125। अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो आपको स्पोर्टी लुक दे सके, तो ये बाइक आप ले सकते हैं। इस बाइक में आपको टोटल 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। पहला है ड्रम ब्रेक के साथ, जिसका प्राइस है 98,000, और दूसरा है डिस्क ब्रेक के साथ, जिसका प्राइस है 1 लाख रुपए। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपको 125 सीसी का 4-स्ट्रोक DTSI इंजन देखने को मिलता है, जो काफी अच्छा है, जो 11.64 bhp और 10.8 nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसमें आपको 5 गियर बॉक्स देखने को मिलता है। ये बाइक आपको 50 km/h का माइलेज देती है। और एक अच्छी बात यह है कि इस बाइक में आपको 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक है। फीचर की बात की जाए, तो इसमें आपको डिजिटल ओडोमीटर देखने को मिलता है, और एक डिसएडवांटेज है कि इसमें आपको LED DRL नहीं देखने को मिलता है। नंबर 4 पे है होंडा की साइन। होंडा की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है ये, और इस बाइक की पिकअप की बात की जाए तो काफी अच्छा है। बात की जाए इस बाइक की इंजन की, तो इसमें आपको 125 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 10.59 bhp और 11 nm टॉर्क। ये बाइक आपको 55 km/h का माइलेज दे देती है। इस बाइक में आपको 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, और इस बाइक में आपको टोटल 2 वेरिएंट देखने को मिलता है। पहला है ड्रम ब्रेक के साथ, जिसका प्राइस है 93,000 रुपए, और दूसरा है डिस्क ब्रेक के साथ, जिसका प्राइस है 97,000 रुपए। नंबर 5 पे है इंडिया की मोस्ट सेलिंग बाइक हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक। दोस्तों, इसका जो लुक है वो नेक्स्ट लेवल हो चुका है। हीरो ने अपडेट के बाद इस बाइक को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। बात करें इस बाइक की प्राइस की, तो 92,000 रुपए, जो कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, और प्रीमियम लुक के साथ आती है ये बाइक। ये बाइक ऐसी है कि इसको बच्चा, बूढ़ा और जवान कोई भी आराम से चला सकता है। बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो 97 सीसी का इसमें इंजन देखने को मिलता है, जो 7.9 PS और 8.5 NM टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस बाइक में आपको 60 km/h का माइलेज देखने को मिल जाता है। इसमें आपको डिजिटल ओडोमीटर देखने को मिल जाता है, LED DRL देखने को मिल जाता है विथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी।